हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो इलिप्स का जो समीकरण है वो किस प्रकार से ड्राइव करते हैं। तो देखो, हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने दीर्घवृत्त की जो नियता होती है उसका समीकरण फाइंड कर लिया है कि दीर्घवृत्त की जो नियता का समीकरण क्या होता है। दीर्घवृत्त की नियता क्या होती है भाई? एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, ये जो नियता आती है इसका समीकरण क्या आता है? एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई आता है। क्लियर? अब देखो, इसके जो नाभिक के कोऑर्डिनेट थे दीर्घवृत्त के वो हमने फाइंड किया था, वो क्या आते थे? वो इसको तो बोलते थे सी एच, और दीर्घवृत्त की नाभिक कितनी आती थी भाई हमारे पास? सी एच कितना आई थी? ए। ये कोऑर्डिनेट इस प्रकार से हमारे आ गए थे। अब देखो, हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो दीर्घवृत्त के समीकरण ज्ञात करने क्या करेंगे हम कि इस पॉइंट से पी से ये परपेंडिकुलर हम डाल दिया। क्लियर? ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया पी पॉइंट से। इस परपेंडिकुलर को नाम कुछ भी दे दो आप अपनी तरफ से, ये नाम हमने दे दिया, चलो एन दे देते हैं इसको। नाम क्या दे दिया? एन। अब देखो, यहाँ से जो दीर्घवृत्त की परिभाषा है वो क्या कहती है? एस पी अपॉन पी एम, एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई आता है। क्लियर? तो एस पी इक्वल टू ई पी एम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करो, एस पी स्क्वायर क्या आएगा? ई स्क्वायर पी एम का स्क्वायर। तो एस पी, तो जो एस पी है ये राइट ट्राइंगल की परिभाषा है। ये राइट ट्राइंगल होगा, ये राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है ना ये। तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है इसका? एस एन। तो एस एन का स्क्वायर कर दो प्लस पी एन का स्क्वायर कर दो इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम। पी एम ये किसके बराबर में? एन एच के बराबर में। तो इसको लिख दो एन एच का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब देखो, एस एन, एस एन कितना हमारे पास? एस एन, यहाँ से मेजर करो एस एन। तो एस एन को लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? एस एन बराबर सी एन माइनस का सी एस का स्क्वायर प्लस पी एन। पी एन ये पी एन है, पी एन की वैल्यू कितनी? वाई है, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक तो एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई का स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर एन एच का स्क्वायर। एन एच, एन एच कितना है? ये डिस्टेंस भी कहाँ से मेजर करो आप? यहाँ से। तो एन एच कितना जाएगा? तो इसको लिख सकते हो सी एच, यहाँ से यहाँ तक सी एच माइनस का सी एन माइनस का सी एन का स्क्वायर। क्लियर? अब आपको क्या करना है, केवल वैल्यू ही तो पुट करनी है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो कितना आ जाएगा? सी एन। सी एन कितनी हमारे पास? सी एन। ये यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? एक्स, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो सी एन कितना हमारे पास? ये सी एन है भाई, ध्यान रखना इसको, सी एन। तो सी एन कितना है? एक्स। और सी एस कितना है हमारे पास? सी एस, सी एस ये सी एस रहा। सी एस कितना है? ए, ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर। सी एच कितना है? सी एच, सी एच कितना है? ई सी एच, ये रहा, ये रहा ए अपॉन ई माइनस सी एन। सी एन कितना है? ये सी एन, ये कितना है? केवल एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको क्या करना है? सरल करना है। तो सरल कर लेंगे आसानी से, क्या दिक्कत है? तो यहाँ कर देंगे सरल इसको, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं। तो दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सरल कर रहा हूँ, माइनस टू ए ई एक्स प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर प्लस वाई स्क्वायर। दिखाई दे रहा होगा अच्छे से? बराबर इसको सरल करो, ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस टू ए अपॉन ई इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है केवल, वो आपको लगाना है। तो इसको और सरल कर लो। ये तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर का अंदर गुणा करो, क्या आएगा? ई स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ई स्क्वायर माइनस एक इसे ई कट गया, टू ए ई एक्स प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? अंदर गुणा कर दिया ई स्क्वायर से।
अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, नहीं कटेगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कहाँ, देखो ये कट जाएगा, टू ए एक्स कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो क्या आ गया हमारे पास, ये ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर किधर लिया हो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वन माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से देखो प्लस का वाई स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर उधर ले जाओ, तो बराबर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वन माइनस ई स्क्वायर, क्लियर। तो वन माइनस ई स्क्वायर ये ब्रैकेट। अब क्या करो, वन माइनस ई स्क्वायर का पूरे में भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा, इसका पूरे का भाग लगाओ, तो एक्स स्क्वायर तो अपॉन में ए स्क्वायर आ गया, ई स्क्वायर से वन माइनस ई स्क्वायर से वन माइनस स्क्वायर कट गया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, और इसको तो क्या आ गया, वन आ गया, और जो कि दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, जो कि दीर्घवृत्त का अभी समीकरण होता है। अब यहाँ पर यदि ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर को बी पुट कर दो, तो समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा, और जहाँ बी स्क्वायर कितना होता है हमारा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ये मान के चलते हैं हम। बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, क्लियर। तो ये तो था हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण, ये क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का क्लियर। तो इस प्रकार से हम दीर्घवृत्त का समीकरण आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या था, केवल डेफिनेशन यूज में लेनी थी, दीर्घवृत्त की जो डेफिनेशन है क्या होती है, एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई होती है, एस पी इक्वल टू ई पी एम लिखा मैंने, तो एस पी स्क्वायर क्या है, ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, एस पी को हमने इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये तो इसका लंब हो आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया, तो मैं ये तो कर्ण का स्क्वायर है, बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इंटू, ये पी एम किसकी वैल्यू बराबर है, पी एम और ये एन एच दोनों पैरेलल हैं, तो ये हमने पैरेलल रूप में लिख लिया, क्लियर। तो इस प्रकार से ये ऐसा है, अब सारी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करो, सी पॉइंट से मेजर करो, सी पॉइंट से मेजर करते गए, तो एस एन को हम लिख सकते हैं, एस एन तो ये रहा एस एन, तो इसको मैंने यहाँ से लिखा सी एन माइनस सी एस, सी एन माइनस सी एस, और प्लस और ये पी एन, पी एन तो अपने को पता ही है, पी एन वाई स्क्वायर ही होता है, तो ये वाई डिस्टेंस है, तो इस प्रकार से ये पूरा गुणा भाग कर रहा है, केवल मजदूरी है, थोड़ी सी मेहनत है, तो ये इस प्रकार से हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये तो था हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण, तो दीर्घवृत्त का समीकरण किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो ये हमने सीख लिया। इससे पहले दो वीडियो लेक्चर में हमने दीर्घवृत्त की नियता और दीर्घवृत्त की जो नाभि है उसके किस प्रकार से निर्देशांक ज्ञात करते हैं वो हमने सीखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।